के अंतिम 6 महीने के निर्णयों की समीक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक जारी है। ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी। दरअसल पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने किस तरीके के रहे, किस तरीके से निर्णय लिए गए हैं, उसकी समीक्षा की जा रही है। मंत्री गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक जारी, तस्वीरें आपके सामने और तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं विभाग से जुड़े हुए, क्योंकि पिछले 6 महीने पिछले सरकार के किस तरीके से रहे हैं, क्या क्या खास निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि चुनाव से पहले भी कई बार ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिसे जनता लोक लुभावनी फायदे गिनाने वाले भी कहे जाते हैं, लेकिन उसका क्या अभी असर पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है ये भी फिलहाल देखा जाएगा, और भविष्य में उसका जनता पर कितना असर पड़ेगा। फिलहाल बैठक जारी है। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऋतुराज जी, बैठक शुरू हो चुकी है, तस्वीरें सामने हैं, अभी तक क्या कोई जानकारी, कोई अपडेट मिल पाया अंदर बैठक से? देखिए, बैठक अभी अभी शुरू हुई है और स्कूल शिक्षा विभाग के मसलों को पहले लिया जा रहा है। जो कृष्ण कुणाल हैं, जो स्कूल शिक्षा सचिव हैं, वो बता रहे हैं कि जो पिछली सरकार के अंतिम 6 माह में कौन कौन से कैबिनेट के निर्णय लिए थे। ये बता देना चाहूंगा कि ये जितने भी निर्णयों की समीक्षा हो रही है वो तमाम कैबिनेट में लिए निर्णय है, वो निर्णय नहीं है इसमें शामिल जो विभागों ने अपने स्तर पर नीतिगत रूप से लिए हैं। तो अब आज बताया जा रहा है कि अंतिम दौर है बैठकों का और इसके बाद कमेटी कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी और जिसके बाद यह पूरे एक कंक्लूजिव, एक समग्र रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद या तो मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे या कैबिनेट निर्णय करेगी उस पर। जो पिछले जो बैठकों के बाद हमने ये देखा कि कई ऐसे निर्णय थे जो जिसको या तो पलटा गया या उसकी अलग तरह से समीक्षा की गई। इसमें गांधी वाटी का निर्णय था, हालांकि उसके बाद में सरकार ने वापस लेते हुए और अपना गांधी वाटिका शुरू करने की मंशा जताई। वैसे ही आज जो बैठक है उसमें कुछ जमीन आवंटन के प्रकरण हैं और खास तौर पर ये देखा है कमेटी ने, ये माना भी है कि सामाजिक संस्थाओं को आनंद फानंद में जमीन दी गई जो कि आचार संहिता से थोड़े समय पहले, करीब करीब 1 दिन पहले, करीब 2-3 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहले जो दी वो तमाम समीक्षा के दायरे में ली है। लेकिन कई ऐसे मसले थे जमीन आवंटन को लेकर जिसमें आवंटन पत्र की जो राशि है वो आवंटन राशि वो जमा करा दी गई है। ऐसे में कमेटी क्या कर सकती है इसे देखना होगा, इस पर विचार करना होगा। वहीं जो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में जो पद था वो IAS के अधिकारी का पद था, उसको लेकर कमेटी ने स्पष्ट किया कि यह पद IAS स्तर का ही होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो मेडिकल सर्विस कारपोरेशन लिमिटेड की दवा खरीद को लेकर कमेटी ने हरी झंडी दी और खान आवंटन से जुड़े एक मुद्दे को लेकर भी कमेटी ने विचार विमर्श करके निर्णय दिया है। अब तक ये मुख्यतः कमेटी के जो निर्णय है वो ये थे और अब देखना होगा कि आज किन मामलों की समीक्षा सामने आती है और उसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है और क्या रिपोर्ट दी जाती है। करीब 850 ऐसे प्रकरण है जिन पर कमेटी या तो विचार कर चुकी है या विचार कर रही है। आज के जो मुख्य प्रकरण है वो करीब 15 प्रकरण बताए जाते हैं जिसमें, ठीक है, क्या निचोड़ निकलेगा बैठक के बाद ये भी जानकारी आपसे लेंगे। ऋतुराज जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, बढ़ेंगे आगे।